जैसा कि मैं आपको समय-समय पर बताते रहता हूं कि कोविड-19 की जो स्थिति है उस पे सरकार पैनी नजर रखे हुए है। इस संबंध में आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से 1 बजे एक मीटिंग करने वाले हैं, जिससे इस संबंध में और विचार विमर्श होगा। अब तक देश में कोरोना वायरस के 42 सक्रिय मामले आए हैं। कल की अपडेट से अब तक 3 नए मामलों की रिपोर्ट मिली है, जिनमें एक दिल्ली से, एक उत्तर प्रदेश से और एक जम्मू से मिला है। कल केरल से 5 मामलों की रिपोर्ट मिली थी, जिनमें 3 एक ही परिवार के हैं जो इटली से लौटे हैं, तथा 2 उनके संबंधी हैं जो उनके संपर्क में आए हैं। यह परिवार अपने संबंधियों के यहाँ गया था और वहाँ किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ था, और जैसा हमने कहा था, इससे अन्य संपर्क व्यक्तियों को ट्रेस किया जा रहा है। जहाँ तक हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग का सवाल है, कुल 8,255 फ्लाइटों से आने वाले 8,74,708 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, और जिनमें 1,921 यात्रियों में लक्षण पाए गए हैं और इनमें से 170 को अस्पताल में भर्ती किया गया है और बाकी को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। 33,599 यात्रियों की निगरानी की जा रही है और 21,867 यात्रियों ने निगरानी की अवधि पूरी कर ली है। इस संबंध में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था है, जो बहुत ही व्यापक तौर से इसे हर एयरपोर्ट पे, 30 एयरपोर्ट्स पे हम लोगों ने कार्यान्वित किया है, इसकी सफलता के लिए ये बहुत आवश्यक है कि यात्रीगण अपना ट्रैवल डिटेल्स दें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री दें, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो उनको उपलब्ध कराया गया है उसमें जितने कॉलम हैं उसको अच्छी तरह भरें, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो व्यापक कार्यक्रम चल रहा है ये हमारे देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए है, और उसमें आपके सहयोग की भूमिका, सहयोग की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम इसे बहुत अधिक सफल नहीं बना पाएंगे। जैसा मैंने कल केरल के केस के विषय में बताया था कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने नहीं भरा और उसकी जानकारी भी नहीं दी, जिसका परिणाम ये है कि ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को जरूर बताएं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि ये आपकी ही भलाई के लिए है। हेल्प अस टू हेल्प यू। समाचार पत्रों में ये न्यूज़ देखा गया कि कोरोना वायरस का एक अफेक्टेड केस था मुर्शिदाबाद में, जिसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं इस विषय में ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि उनकी जो रिपोर्ट है वो निगेटिव है। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में कोरोना वायरस से अभी कोई मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।